का खेत है। भारत में जो कुल अनानास की खेती होती है उसमें 8% जो पाइनएप्पल्स हैं वो यही मेघालय से जाते हैं। पिछले एक दशक में काफी बढ़ोतरी इसमें हुई है, क्योंकि अगर हम जमीन के हिसाब से देखें तो लगभग 12% ज्यादा जमीन पर इसकी खेती हो रही है। और उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वो देखिए, जो उपज बढ़ा है वो लगभग 22% उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि अगर मेघालय में सही तरीके से बढ़ा दिया जाए अनानास के किसानों को और इसकी खेती को, साथ ही फूड प्रोसेसिंग को, तो ये फायदे का सौदा यहां के लोगों के लिए हो सकता है। अनानास मेघालय की प्रमुख फसलों में से एक है और यहाँ के लोगों के एक बड़े वर्ग की आजीविका का साधन भी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा अनानास उत्पादन को लेकर कई बड़े दावे करते रहे हैं, पर जमीन पर स्थिति क्या है? ये कहाँ पर बेचेंगे इसको? मार्केट मार्केट ले जाती है इसको? तो खुद से कोई लेके जाता है? सब जो लड़की है वही लोग काम कर रही है इधर? रोता भी। तो आपके घर में कौन कौन है, कितना लोग है? बच्चा, माँ। इसका कितना रेट मिल जाता है, कितना पैसा मिलेगा इसका? एक किलो का 1 किलो 15-20 रुपए मिल जाता है। भारत के कुल अनानास में 8% का उत्पादन अकेले मेघालय में होता है। 1.2 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में अनानास का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मेघालय की कुल जमीन का 10,523 हेक्टेयर हिस्सा अनानास की फसल उगाता है। पिछले एक दशक में अनानास का प्रोडक्शन 11.7% बढ़ा है, जिसकी वजह से राज्य में कुल उत्पादन 21.8% बढ़ चुका है। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत अनानास मेघालय के रिभोई जिले की पहचान है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अनानास की खेती की जाती है। अनानास के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है एक उचित फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई वादे हैं और कोशिशें भी, लेकिन लोगों तक ये कितनी पहुंच पाई है ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। बीते कुछ वर्षों में अनानास के ऊपरी मोटे हिस्से से चमड़ा बनाने की तैयारियां हैं, कहीं कहीं काम शुरू होने की स्थिति है। लोगों को इंतजार है कि मेघालय का जो अनानास पूरी दुनिया में भारत को पहचान देता है, वो अनानास उनकी भी जरूरतों को पूरा करके विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में सहायक है। बहरहाल मेघालय की मेहनती महिलाएं खेती किसानी में नई नई उपज आजमाने से भी पीछे नहीं हटती।